नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करा रहा हूँ। जैसे आपको पता है, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, डिफेंस का एग्जाम हो, कोई भी स्टेट एग्जाम हो, चाहे एमपीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, राजस्थान पीएससी हो, कोई भी एग्जाम दे लीजिए आप। बैंक में, एसएससी में भी बहुत आते हैं स्टैटिक जीके से क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं, ये पार्ट फोर्थ है, डेली हम 10 क्वेश्चन करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है नटराज। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नटराज टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। नटराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में पड़ता है नटराज टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फीचर ऑफ चोला टेम्पल इज। चोल मंदिर के प्रमुख विशेषता क्या है? देखिए, चोल जो टेम्पल है, एक काफी इंपोर्टेंट चोल टेम्पल है, जिसको हम बृहदेश्वर टेम्पल बोलते हैं। बृहदेश्वर टेम्पल, जिसको हम राज राजेश्वरी टेम्पल बोलते हैं, ये किसने बनवाया था? एक काफी इंपोर्टेंट चोल रूलर थे, राज राजा फर्स्ट। जो राज राजा फर्स्ट थे, उन्होंने ये टेम्पल बनवाया था, बृहदेश्वर टेम्पल। कहाँ पर? थंजावुर में, जिसको हम थंजौर भी बोलते हैं, और ये तमिलनाडु में पड़ता है। तो याद रखो, चोल का एक फेमस टेम्पल है, चोल डायनेस्टी का। बृहदेश्वर टेम्पल, जिसको राज राजेश्वरी टेम्पल बोलते हैं, ये राज राजा चोला फर्स्ट ने बनवाया था, क्योंकि थंजावुर, जिसको थंजौर बोलते हैं, वो तमिलनाडु में पड़ता है। तो मेन फीचर क्या होता है चोल टेम्पल का? विमाना बोलते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज लोकेटेड इन कर्नाटका। कर्नाटका में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थित है? गोकर्ण नाथेश्वर, नवघरे जैन टेम्पल और विरूपाक्ष टेम्पल। ये तीनों टेम्पल कहाँ पर है? कर्नाटका में। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो विनुपत टेम्पल रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था, जगन्नाथ टेम्पल अनंत वर्मा गंगा ने बनवाया था, और सन टेम्पल नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था। तो ये तीनों मैच बिल्कुल सही है। इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव। तो सन टेम्पल है, ये नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था। जगन्नाथ टेम्पल, ये पुरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उड़ीसा में। अनंत वर्मन गंगा ने बनवाया था, और विष्णुपद टेम्पल रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ट द दिलवारा जैन टेम्पल इन माउंट आबू राजस्थान। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवारा जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, राजस्थान में जो माउंट आबू है, वहां पर दिलवारा जैन टेम्पल है, ये टेम्पल किसने बनवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विमल शाह ने ये टेम्पल बनवाया था, दिलवारा जैन टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सन टेम्पल इज नोन एज ब्लैक पगोड़ा। किस सूर्य मंदिर को हम काले पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा, इसको हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन टेम्पल 8 मोढेरा इन गुजरात बिल्ट इन 1027 AD बाय विच डायनेस्टी। गुजरात के मोढेरा में सूर्य मंदिर 1027 ईस्वी में किस राजवंश द्वारा बनवाया गया था? देखिए, सन टेम्पल एक उड़ीसा में है, जिसको हम कोणार्क सन टेम्पल बोलते हैं। कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में है, और मोढेरा सन टेम्पल भी है, जो गुजरात में। तो दोनों सन टेम्पल अलग है, और दोनों अलग रूलर ने बनवाए। तो जो मोढेरा सन टेम्पल है, वो चालुक्य डायनेस्टी के रूलर ने बनवाया था, मतलब चालुक्य डायनेस्टी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ड द लक्ष्मी नारायण टेम्पल इन दिल्ली। दिल्ली में लक्ष्मी नारायण टेम्पल का निर्माण किसने करवाया था? इसका करेक्ट आंसर है बिरला। जो बिरला ग्रुप है, उसने ये टेम्पल बनवाया था, लक्ष्मी नारायण टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच इंडियन सिटी। तुंगनाथ मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है तुंगनाथ टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विच रटी। श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल या मंदिर किस देवता को समर्पित है? इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु जी का टेम्पल है श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल। ये स्टैटिक जीके का फोर्थ पार्ट था, डेली 10 क्वेश्चन करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एमसीक्यू आईक्यू को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू आईक्यू।